हे गाइस, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पटवा कटाई चल रहा है, उसी को आए हैं देखने के लिए। देख पा रहे हैं इस वाला खेत में, इधर इस तरफ का खेत में खाली अभी सिर्फ पाड़ ही है, जूड है, अभी कटा नहीं है। बहुत सारा कट भी चुका, कुछ लोग काट भी लिए अपना अपना, कुछ का लगा हुआ भी है। इधर है मेरा, इधर कट रहा है, कुछ लोग काट रहे हैं। इस बार का पार्ट काफी लंबा है, देख पा रहे हैं हम लोग। पटवा सूखा भी है काफी, बारिश नहीं होने के कारण। इस बार लोग बहुत ही लेट से पटवा काटे हैं, क्योंकि इस बार बारिश नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण पाट को काटने के बाद पानी में डुबाया जाता है। पानी था ही नहीं, क्योंकि बारिश ही नहीं हो पा रहा था। अभी कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले अच्छी खासी बारिश हुई है, जिसके कारण गड्ढा में पानी हो गया है। अब लोग पटवा कटवा रहे हैं। ये वाला जो धान देख पा रहे हैं, ये धान, वो छोटा छोटा धान जो होता है काला काला, जिसको संजीवा धान यहाँ बोला जाता है, इसका यूज़ पुलाव में किया जाता है, ये वही धान है। पहले इसकी उपज अच्छा होती थी और इसका स्वाद भी अच्छा था। पहले खेत में आने के बाद सेंट इसका बहुत ही अच्छा सेंट लगता, लेकिन अब ज़मीन का ख़राब होने के कारण अब उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। ये कोई ख़ास मज़ा भी नहीं आता। पहले तो अगर किसी के यहाँ गांव में बनता था तो पता चलता था कि हाँ, आज ये वाला चावल बना है, इतना सेंट था पहले जब हम लोग छोटा थे। अब तो इसका बहुत कम सेंट रह गया है। वो लोग काम कर रहे हैं, हम अब निकल रहे हैं घर। तबीयत थोड़ा ख़राब है, दवाई तवाई ले ली है, लेकिन दवाई काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया। बैक पेन हो रहा है बहुत दिनों से, कितना डॉक्टर बदल भी दिए हैं, एम्स में भी कई बार दिखा दिए हैं पटना में, नहीं हो पा रहा ठीक। सोचिए, आज गांव के लोग बोल रहे हैं किसी को दिखाओ, मौलाना मतलब दुआ ताबी चलेगा। तो निकलते हैं, उधर जाते हैं घर, पहले नहाएंगे उसके बाद निकलेंगे वहाँ पे। आगे देख पा रहे हैं पानी है, अब यहाँ चप्पल उतार लेना होगा, चप्पल उतार के हाथ में रख के तब जाएंगे रोड पे, क्योंकि पानी है यहाँ पे। आगे जाने के लिए चप्पल खोलना पड़ेगा, पानी में प्रवेश कर जाए, थोड़ा सा पानी है घुटना से ऊपर था। ये गांव में क्या हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा इधर ताश खेल रहा है। देखिए, एक मिनट में 40 रुपये जीत गया। पानी और कीचड़ पास करके आ गए हैं अपना, अब कुछ ही देर में घर पहुंचने वाले हैं। अनाया बेटी, इधर देख नहीं बेटी। अब घर से निकल गए हैं, कुछ समय लगेगा।
लगभग 5-6 किलोमीटर है यहाँ से, लगभग 20 मिनट लगेगा ही, रास्ता सही नहीं है, इससे आगे जाके पहुँच चुके हैं, नंबर भी लगा दिया है, अब कुछ ही देर के बाद नंबर आएगा दिखाने के लिए। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत समय लगता है यहाँ पे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद।